तो वेलकम गाइस, आ चुकी है हमारे पास जियो मॉल की एक और नई एप्लीकेशन, जियो मॉल VIP। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास, मैंने इस पे रजिस्टर कर लिया है और एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है। जियो मॉल के अंदर आपको एडिट का ऑप्शन नहीं था, तो इसके अंदर सारा सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको इसका जो ग्रुप लिंक है वो भी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और साथ में आपको जियो मॉल की जो VIP एप्लीकेशन की लिंक है वो भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। आपको लिंक पे क्लिक करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो रजिस्टर करने के बाद में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी वहीं पर मिल जाएगा, आप जाकर आप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको लॉटरी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लॉटरी पे क्लिक कर दिया है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको बेट लगानी तो आपको आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे सभी तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन और वल्टी और रेड, ठीक है, और ग्रुप लिंक भी आपको मिल जाएगी, उसके साथ में खेलना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टी, फर्स्ट एंड स्पेयर और बीकॉम। ठीक है, तीनों चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें रिचार्ज कैसे करना है। तो यहाँ पे सिंपल आपको रिचार्ज करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको रिचार्ज का। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन आपका रिचार्ज का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं एक पे, इस पे, एन एट पे और HZ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पे से आपको रिचार्ज करना है, और रिचार्ज करना आपको नहीं आता है तो इस एक पे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको एंटर सिलेक्ट अमाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे 500 पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं नीचे जाना है, उसके बाद में रिचार्ज पे क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल रिचार्ज पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में देख सकते हैं आपको सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो जस्ट वन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जस्ट वन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपके सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोड लेने देते हैं। यहाँ पे लोड लेने के बाद में ये ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं कुछ ऐसे का ऑप्शन आ चुका है। आपको यहाँ पे ये वाली जो गूगल आईडी है, सॉरी UPI आईडी है, ये आपको कॉपी कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको अपना गूगल पे में जाके इस वाली आईडी पे आपको 500 रुपये पे कर देना है। उसके बाद में वो जो ट्रांजेक्शन नंबर आता है वो ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में कन्फर्म नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका रिचार्ज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको रिचार्ज करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस UPI को कॉपी कर लिया है। उसके बाद में मैं अपने गूगल पे में जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गूगल पे में जाता हूँ, गूगल पे ओपन। उसके बाद में हम थोड़ा सा वेट करते हैं, गूगल पे ओपन हो जाता है। तो ये आपको दिखाई नहीं देगा, जो मैं यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में अभी रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको बैक ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको बैक ले लिया है। उसके बाद में आपको रिचार्ज इस तरीके से करना है, अभी रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो रिचार्ज फिर बाद में करते हैं। उसके बाद में हम जान लेते हैं अपना विड्रॉ कैसे क्लियर करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल इस पर अपने जो माई अकाउंट का ऑप्शन होता है वहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे माई पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी जो जो अपनी जो डिटेल है, बैंक डिटेल, वो डाल देनी है। ठीक है, सही से डालनी है। ठीक है, और ऑप्शन तो आपको मिल जाता है फिर से आपको रीसेट करने का। तो आपको यहाँ से भी आप अपना बैंक ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे माय बैंक कार्ड, इस पर क्लिक करके आप अपना बैंक जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना बैंक जोड़ रखा है, तो आप अपना बैंक जोड़ सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इससे पेमेंट लेने वाला हूँ और आपको कमेंट में बता दूँगा कि भाई पेमेंट क्लियर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो के नीचे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप फटाफट से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।